बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज आपको मैं सूरह अनफाल का के बारे में बताऊंगी, उसका यानी उसका तारफ कि वो सूरह कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, इसके बारे में। आज हम दरसुल अव्वल पहला सबक यानी स्टार्ट करते हैं, सूरह अनफाल का पहला सबक। सूरह अनफाल 10 रुकू पर मुश्तमिल है। इस सूरह पाक की कुल आयात 73 हैं। तरतीब तौसीफी के लिहाज से इस सूरह का नंबर 8 है और तरतीब नजूली के लिहाज से इस सूरह का नंबर 88 है। अहद नजूल, सूरह अनफाल मदनी सूरत है। ये सूरत गजवा बदर के फौरन बाद शहर मदीना मुनवरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस सूरह का आहद नजूल सन 2 हिजरी है। वजह तस्मिया, इस सूरह का नाम सूरह अनफाल है। अनफाल अरबी जबान का लफ्ज है, इसका वाहिद नफल है। अरबी जबान में अनफाल के मानी माल गनीमत के हैं। माल गनीमत दुश्मन का वो माल होता है जो जंग में मुसलमानों के हाथ आता है। इस सूरह का आगाज मालिक नीमत के अहकाम से हुआ है, इसलिए इस सूरह का नाम सूरह अनफाल रखा गया है। इस सूरह का ज्यादातर हिस्सा गजवा बदर के हालातों वाकयात से मुतल्लिक है, इसलिए इस सूरह की तालीमात और तशरीह को समझने के लिए गजवा बदर के असबाब और वाकयात का जानना अशद जरूरी है। गजवा बदर के वाकयात, असबाब वाकयात। गजवा बदर मुसलमानों और कुफार के दरमियान पहला मारका था। गजवा बदर में मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई और कुफार को इबरतनाक शिकस्त हुई। कुरैश की मुखालफत, कुरैश मक्का इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। जो जो इस्लाम की रोशनी फैलती गई, कुरैश मक्का की दुश्मनी बढ़ती गई। कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। कुरैश का जुल्म सितम जब हद से बढ़ गया तो मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लम के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की। जब कुरैश मक्का को मालूम हुआ कि मुसलमानों की मदीना में एक रियासत कायम हो गई है और इस्लाम हर तरफ तेजी से फैलने लगा है, तो वो गजबनाक हुए और उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए साजिशों के जाल फैलाने शुरू कर दिए। मुनाफिकीन और यहूद की साजिशें, मदीना में मुनाफिकीन और यहूद कबाइल भी आबाद थे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार था। मदीना के मुनाफिकीन और यहूदी इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। मुनाफिकीन और यहूदी मदीना में अपनी हाकमियत कायम करने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मदीना आमद से उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। मदीना के यहूदी और मुनाफिकीन इस्लाम को मिटाने के लिए कुरैश मक्का के साथ मिलकर खुफिया साजिशें तैयार करते रहते थे। आखिरकार कुफार और मुनाफिकीन और यहूद की साजिशें गजवा बदर का सबब बनी। कुरैश की मुजावरत को खतरा, कुरैश खाना काबा के मतवली और मुजावर थे। खाना काबा के मुजावर और मतवली होने के सबब कुरैश को पूरे अरब में अदब एहतराम हासिल था। कुरैश जानते थे कि अगर इस्लाम इस तरह तेजी से फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें खाना काबा की तवलियतों मुजावरत से महरूम होना पड़ेगा। कुरैश अपनी तवल्लियतों मुजावरत और शान शौकत को बचाने के लिए इस्लाम को हर कीमत पर मिटाना चाहते थे। बच्चों, आज इसके अलावा मैं आपको एक आयत का तर्जमा भी पढ़ाऊंगी, आपने अच्छी तरह गौर से सुनना है। सूरह अनफाल दरसुल अव्वल है, पहली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत यसअलूना का अनिल अनफाली कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूलिही फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन।
हाँ बच्चों, यसालूना का मानी आपको पहले बताती हूँ। यसालूना का मानी है वो आपसे पूछते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार फरमाते थे कि ये लोग कुफार लोग वो आपसे क्या है बार बार पूछेंगे, बार बार सवाल करेंगे। या सालूना का मानी है कि वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे यानी बार बार सवाल करेंगे। आन का मानी से है, अनफाल का मानी माले गनीमत के बारे में। ठीक है ना, अल्लाह ताला अपने नबी से क्या फरमा रहे थे, अल्लाह ताला फरमाते थे कि वो लोग आपसे माले गनीमत के बारे में बार बार सवाल करेंगे। कुल कुल का मानी कह दीजिए, अल इनफाल माले गनीमत लाही लिल्लाही जो अल्लाह के शुरू में लाम है, इसका लाम का मानी है के लिए या का के की, इसका कोई मानी इनमें से हो सकता है। लिल्लाही का मानी है का, व रसूल वाओ का मानी और है, रसूल का मानी है रसूल। अब इसका क्या तर्जुमा पूरी लाइन का करेंगे, वो लोग ऐ पैगंबर वो लोग तुमसे माले गनीमत के बारे में सवाल करेंगे, माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करेंगे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं अपने नबी से, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ नबी कह दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। आगे फत्ताकुल्लाह वासलीहू, फत्ताकुल्लाह फा का मानी पास है, अत्ताकु का मानी है डरो अल्लाह ताला से, पास अल्लाह ताला से डरो। असली हो वो का मानी और असली का मानी क्या है, असली का मानी सुला रखो। जाता बहन कुम, जाता बहन का मानी होता है आपस में अपने दरमियान जाने, कुम का मानी है तुम लोग। अब इसका तर्जमा आ जाएगा, पास अल्लाह तला से डरते रहो और आपस में सुला रखो। व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन, वाओ का मानी और है अतीउ, अतीउ का मानी है अतात करो अल्लाह ताला की, आगे वाओ है, वाओ का मानी और है रसूलहु, रसूल का मानी रसूल ही है, हु इसके साथ जमीर है रसूलहु, जो हु है इसका मानी उसके। अब इसका तर्जमा हो जाएगा, और अतात करो अल्लाह ताला और उसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन, इन का मानी अगर है, कुंतुम का मानी तुम, मोमिनीन का मानी है मोमिन, अगर तुम क्या हो मोमिन हो। फिर मैं एक दफा इसी आयत का तर्जमा रिवाइज करती हूँ, बच्चों देखें। यसालूना का अनिल इनफाली, कुल इनफालु लिल्लाहि व रसूली, फत्तकुल्लाह व असलु ज़ाता बैनिकुम, व आतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिल लोग तुमसे मालिक नीमत के बारे में दरियाफ्त करेंगे, कुल कह दीजिए कि मालिक नीमत अल्लाह ताला और उसके रसूल का माल है। फत्ताकुल्लाह, अब इधर से पास, अल्लाह ताला से डरते रहो और आपस में सुलह रखो। वातीउल्लाह व रसूलहु, और उसके अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम क्या हो मोमिन हो।